मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको घर पर ही हैंड सैनिटाइजर बनाना बता रही हूँ। ये हैंड सैनिटाइज़र की जो चीज़ें हैं दोस्तों, ज़्यादातर आपको आपके घर पर ही मिल जाएंगी। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं कि बाज़ार से सामान लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एलोवेरा की बिल्कुल फ्रेश पत्ती ली है, और दोस्तों आपको भी अपने घर पर एलोवेरा का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। गुणों का भंडार है, बहुत सी चीज़ों में एलोवेरा की पत्तियाँ हमें काम आती हैं। तो फ्रेश एलोवेरा की पत्ती मैंने तो खैर अपने घर पर गमले में ही 4-5 इसके पौधे लगा कर रखे हैं। तो आपको लेना है सिर्फ एक एलोवेरा की पत्ती, और इस तरह से आप इसके ऊपर का छिलका निकाल लें और चाकू की सहायता से आप इसका जो पल्प है उसे निकाल लें। वैसे तो बाज़ार में आपको रेडीमेड एलोवेरा पल्प की ढेर सारी कंपनियों की बॉटल मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियों की इसकी बॉटल आती हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ 2 चम्मच ही एलोवेरा का पल्प लेना है, और घर पर यदि आपके पास एलोवेरा का पौधा है तो बस सिर्फ एक एलोवेरा की छोटी सी पत्ती को तोड़ लाएं और इस तरह से जैसे मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ एलोवेरा का पल्प निकाल लें। जब हम साबुन से हाथ धोते हैं तो उसके बाद आपने देखा होगा हमारे जो हैंड हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और हमें तुरंत ही मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत पड़ती है। परंतु यदि आप एलोवेरा युक्त हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथों में सॉफ्टनेस बनी रहेगी, हाथ बिल्कुल ही नरम रहेंगे और आपको अलग से मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं इस हैंड सैनिटाइज़र में एलोवेरा किया फ्रेश जो पल्प है उसे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये जो पल्प निकाल लिया दोस्तों, इसे खूब अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से या हाथों की सहायता से बढ़िया मैश कर लें ताकि बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाए। तो 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इस बड़ी पत्ती से इतना पल्प निकाल लिया है। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका फाइन पेस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है रबिंग एल्कोहल, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। आप इसकी कीमत देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सस्ता आता है, मात्र 20 रुपये की ये छोटी बॉटल है। तो ये ना सोचें कि पूरी बॉटल आपको लग जाएगी, आपको सिर्फ आधी से भी कम बॉटल का इस्तेमाल करना है। किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी दोस्तों, और हम बाज़ार से जो सैनिटाइज़र खरीदते हैं वो तो 80 रुपये 90 रुपये से नीचे का नहीं आता है, और घर में आप बनाएंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने कम सामान की हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो ये जो रबिंग एल्कोहल है दोस्तों, इससे क्या होता है, हमें अलग से साबुन और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है हाथों को साफ़ करने के लिए, क्योंकि रबिंग एल्कोहल ऐसा है जब हम इसे रब करते हैं अपने आप ही हवा के संपर्क में आते ही ये उड़ जाता है और हमारे हाथ बिल्कुल ही बढ़िया अच्छे सूखे हो जाते हैं, हमें अलग से नैपकिन से पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप में ये एलोवेरा का पल्प 2 चम्मच के करीब है, आप देख सकते हैं मैंने हाथों से भी इसे खूब अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि इसके टुकड़े ना रहें। और अब इसमें हमें ऐड करना है रबिंग एल्कोहल। तो आप भी ये एक बॉटल ले आएं दोस्तों, और हमें वैसे भी हाथों की सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बहुत से पॉल्यूशन, क्योंकि आपने देखा ही होगा आजकल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बहुत सी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं जो कि ज़्यादातर हवा के संपर्क में आने से होती हैं। पूरे समय हमें अपने हैंड क्लीन रखना चाहिए। थोड़ा सा इस हैंड सैनिटाइज़र को बिल्कुल बाज़ार के जैसा ही मैं बनाना चाह रही हूँ, इसलिए यहाँ पर आप थोड़ी सी खुशबू के लिए कोई भी एसेंशियल ऑयल डालें। 2 से 3 बूंद आपको एसेंशियल ऑयल की डालना है। यदि आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। आप ये एलोवेरा देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इस तरह से बाज़ार में ये बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा भी आता है दोस्तों, 99% ये बिल्कुल प्योर है। अगर आपके पास एलोवेरा की ताज़ी पत्तियां नहीं है, पौधा नहीं है, तो आप बाज़ार का एलोवेरा जो कि हम अपने चेहरे पर लगाते हैं इससे भी आप 2 चम्मच ले सकते हैं, और 3 से 4 बूंद एसेंशियल ऑयल की डालें। बहुत ही ये स्ट्रांग होता है दोस्तों, इतनी बढ़िया इसमें खुशबू होती है और बहुत से फ्लेवर का आता है, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको डालना है अब इसमें, यदि एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप कोई भी खुशबू वाला तेल डालें, बादाम का तेल डाल सकते हैं आप या फिर ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं ताकि हमारे हाथ में नमी बनी रहे।
या फिर कुछ नहीं है तो सादा कोकोनट ऑयल भी डालें। मस्टर्ड ऑयल बिल्कुल ना डालें दोस्तों, आपको तीनों में से कोई भी एक तेल डालना है। और मान लीजिए आपके पास इस समय बादाम तेल नहीं, ऑलिव ऑयल नहीं, कोकोनट ऑयल भी नहीं है, तो आप सिर्फ ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं। हमारा मकसद है हमारे हाथों में नमी बनी रहे, मॉइस्चर बनी रहे और हमारा हाथ जो है वो सूखने ना पाए। और साथ ही इस हैंड सैनिटाइज़र को जो हम बना रहे हैं दोस्तों, हम चाहते हैं बिल्कुल ही ये जर्म्स को मार दे, किसी भी प्रकार का हमारे हाथों के द्वारा हमारे शरीर में इन्फेक्शन ना होने पाए। तो आपको इसमें डालना है सिर्फ आधी छोटी चम्मच डेटॉल की, डेटॉल सेवलॉन कोई भी आप ये चीज़ ले सकते हैं, ताकि जो हैंड सैनिटाइज़र है बिल्कुल मार्केट के जैसा ही बने। बहुत ही सस्ते में ये बन जाता है, आपने देखा दोस्तों, कोई खास मुझे सामान की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कोई भी पुरानी जो स्प्रे की बॉटल है, मेरे पास भी दो तीन ये बॉटल खाली हो गई थी दोस्तों, जिसे मैंने खूब अच्छी तरह से धो लिया था और धोकर धूप में सुखा दिया था, ताकि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का डर ना रहे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही ड्राई है, धूप में सुखाया था। अब इसमें आप इस जो हमने हैंड सैनिटाइज़र बनाया है, इसे आप इसमें भर लें। और ये हैंड सैनिटाइज़र आप ये ना सोचें कि ये ख़राब होगा दोस्तों, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, और जो हमने इसमें तेल की कुछ बूंदें डाली हैं वो इसे बिल्कुल भी ख़राब होने नहीं देगा। एलोवेरा का जो पल्प है वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें तेल डाला है आधी छोटी चम्मच, कोई भी तेल डाल सकते हैं। और तेल नहीं है तो आप ग्लिसरीन ज़रूर डालें। फनल की मदद से अब मैं इस हैंड सैनिटाइज़र को इस बॉटल में भर लूँगी। आप दिन में कम से कम 4 से 5 बार इस हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो अपने बच्चों के स्कूल के बैग में भी रखें, ताकि बच्चे खाना खाने के पहले ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। और इसमें जो अल्कोहल होता है दोस्तों, हम क्यों डालते हैं अल्कोहल? अल्कोहल डालने से जब हम इसे अपने हाथों में लगाते हैं तो तुरंत ही उड़ जाता, हमारे हाथ बढ़िया सूख जाते, हमें अलग से नैपकिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं बताऊंगी इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ बिल्कुल सूखे हैं। बस आपको ये लेना है, कुछ इसकी बूंदें लें आप, ये देखिए आपको लेकर दिखा रही हूँ। पूरा इस्तेमाल करने का सही तरीका भी मैं बताऊंगी। तो इतना मैंने इसे लिया है और आपको अब इसे अपने दोनों हाथों में अच्छी तरह से मलना। ये देखिए दोस्तों, ज़्यादातर हम अपने हथेलियों में मलते हैं, बिल्कुल नहीं, हथेलियों में नहीं मलना, आपको अपने हाथों के पीछे उंगलियों में, नाखून में, ये देखिए जिस तरह से मैं बता रही हूँ, बिल्कुल हथेली के मैं पीछे, दोनों अपने हाथों के पीछे भी इसे रब करके दिखा रही हूँ। नाखून में लगाना ना भूलें, जिस तरह से मैं लगाकर आपको दिखा रही हूँ। सबसे ज़्यादा जम्स नाखून में ही होते हैं, और आप देखिएगा सिर्फ मैंने इसे मला है और कुछ ही सेकंड में ये अपने आप ही उड़ जाएगा, सूख जाएगा, हमारे हाथ बिल्कुल ही क्लीन हो गए हैं। तो क्यों ना दोस्तों घर पर ही हम इस किफ़ायती हैंड सैनिटाइज़र को घर पर ही बनाएं और इसका प्रयोग करें, और बहुत से बीमारियों से हम बच सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।